नमस्कार, झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, हंदवाड़ा में शहीद हुए हमारे साहसी सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि, उनके पराक्रम और शहादत को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। उन्होंने पूरे लगन से देश की सेवा की और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए अथक कार्य किए। हम आपको बता दें कि कल कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना के एक कर्नल और मेजर सहित 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए, जबकि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार आज तापमान में काफ़ी गिरावट रहेगी। कई स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। कहीं कहीं आसमान साफ रहेगी। कई क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। झारखंड से बाहर फंसे मजदूरों को काफ़ी परेशानी हो रही है। खबरों के अनुसार नोडल अफसरों का फोन नहीं लगने के कारण उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। वहीं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा कि नोडल अधिकारी का नंबर लगातार बंद बता रहा है, कभी कभी लगता भी है तो फोन रिसीव नहीं करते हैं। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री से इस मामले में त्वरित और ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। वहीं विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि नोडल अफसर को संबंधित राज्यों जहाँ उनके जिम्मे दिए गए हैं भेजना चाहिए, ताकि वे कैंप लगाकर प्रवासी मजदूरों की समस्या का समाधान कर सके। झारखंड में आज कोई भी संक्रमितों की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि कुल 27 लोग ठीक हो चुके हैं और 3 की मृत्यु हुई है। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 42,505 है, जबकि 11,775 लोग ठीक हो चुके, वहीं 1,391 की मृत्यु हो गई है। टेक्निकल कॉलेजों में 1 जुलाई से शुरू होगी क्लास। सूत्रों के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के तकनीकी संस्थानों को विद्यार्थियों के लिए नया कैलेंडर जारी किया गया है। परिषद सदस्य सचिव ने बताया कि संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए क्लास 1 जुलाई 2020 से शुरू करने का निर्देश दिया गया है, जबकि नए छात्रों का सत्र 1 अगस्त 2020 से शुरू होगी, जो 31 जुलाई 2021 तक चलेगा। हजारीबाग के लिए NTPC केरेडारी ने दिया 5 थर्मल स्कैनर। खबरों के अनुसार केरेडारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 5 थर्मल स्कैनर NTPC ने मुहैया कराया है। ऐसे में हजारीबाग के संक्रमण संदिग्धों की स्कैनिंग में सहयोग मिलेगी। हिंदपीढ़ी में तैनात 339 जवान क्वारंटाइन में भेजे गए। खबरों के अनुसार हिंदपीढ़ी में तैनात सभी जवानों और अफसरों को कल शाम क्वारंटाइन में भेज दिया गया। हम आपको बताते चले कि हिंदपीढ़ी में जवानों और पुलिस अधिकारियों की तैनाती 3 शिफ्ट में ली जा रही है। पूर्व में क्वारंटाइन किए गए 150 जवान की स्वास्थ्य जांच होने के बाद उन्हें दोबारा ड्यूटी में तैनात की जाएगी। मजदूरों के सहायता हेतु बना मुख्यमंत्री विशेष सहायता ऐप में कुल 3 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 2,62,000 लोगों को सहायता राशि 1,1,000 रुपये भेज दी गई। हम आपको बता दें कि मजदूरों को आवेदन जिला द्वारा रद्द कर देने के कारण कुछ मजदूरों को सहायता राशि नहीं मिल सका। वहीं 5 लाख मजदूरों को रहने व खाने की व्यवस्था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा की गई। झारखंड का पास नहीं मान रहा है बंगाल। खबरों के अनुसार दुमका उपायुक्त ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को लाने और पहुंचाने जा रही दुमका से निकली 8 बसों में से बंगाल ने 3 बसों को लौटा दिया। झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए पास को पश्चिम बंगाल में मान्यता नहीं दी जा रही है। बसों को वापस लौटने के कारण बंगाल में फंसे झारखंड के मजदूर भी वापस नहीं लौट पा रहे। उपायुक्त ने जानकारी दी है कि बंगाल सरकार से समन्वय स्थापित की जा रही है। झारखंड में राशन कम देने व समय पर दुकान न खोलने के मामले में 352 डीलर हुए सस्पेंड। खबरों के अनुसार राज्य सरकार ने डीलरों द्वारा कालाबाजारी करने के मामले में बड़ी संख्या में राशन डीलरों पर कार्रवाई की है। 352 राशन डीलरों का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। वहीं 12 डीलर का लाइसेंस रद्द भी कर दिया गया है। साथ ही 52 राशन डीलरों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। संक्रमण की जांच में होगी तेजी। खबरों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में संक्रमण जांच मशीन लगाने का आदेश जारी किया गया है। राज्य में 3,000 टेस्ट किट और 30 RT-PCR मशीन खरीदने का आदेश दिया गया है। हम आपको बताते चले कि एक मशीन की कीमत लगभग 13 लाख रुपये है, जबकि टेस्ट किट की कीमत प्रति यूनिट 1,350 रुपये है। सभी राज्यों में 1 से 2 सप्ताह के अंदर मशीन उपलब्ध करा दी जाएगी। किसानों को मिलेगा 15,000 रुपये। खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों को अब 15,000 रुपये देने की हो सकती है घोषणा।
हम आपको बताते चले कि इस योजना के तहत किसानों को 2-2 हज़ार रुपये राशि 3 किस्तों में 6 हज़ार दी जा रही थी। लॉकडाउन के कारण किसानों के लिए यह राशि बहुत कम है। ऐसे में अब केंद्र सरकार इस राशि को बढ़ाकर 15 हज़ार रुपये कर सकती है, जो कि 3 किस्तों में 55 हज़ार रुपये दी जाएगी। रांची में हेलीकॉप्टर से वायुसेना ने बरसाए फूल। खबरों के अनुसार योद्धाओं को कल हिंदुस्तान ने नमन किया। झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स और कांके के गांधीधर अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों व स्वास्थ्य कर्मियों पर वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से फूल की बारिश की, उनका हौसला बढ़ाया। इन दौरान सभी कर्मियों ने भी हाथ हिलाकर उनके प्रति आभार प्रकट किया। झारखंड के किसी भी जिला को लॉकडाउन में नहीं मिलेगी ढील। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में लॉकडाउन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 सप्ताह झारखंड के लिए महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि हमारे श्रमिक भाई बहन, छात्र छात्राएं विभिन्न राज्यों से अपने घर आ रहे हैं, इसलिए राज्य में अगले 2 सप्ताह तक लॉकडाउन लागू रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट का निर्देश फिलहाल झारखंड में लागू नहीं होगा। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत को लिखा सुझाव। बाबूलाल मरांडी ने लॉकडाउन के बाद राज्य में उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई सुझाव दिए हैं। पत्र के माध्यम से उन्होंने लॉकडाउन के बाद राज्य में होने वाली बेरोजगारी की भयावह और इससे निपटने के गंभीर मसले की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पत्र के माध्यम से कहा कि 9.5 लाख मजदूर वापस लौटेंगे, इनके लिए सरकार को रोजगार सृजन की आवश्यकता होगी। इन लोगों के पास इतनी जमीन भी नहीं है कि वे खेती कर अपना जीवन चला सके। मजदूरों को यात्रा पंजीकरण में हो रही है परेशानी। खबरों के अनुसार प्रवासी मजदूरों व अन्य लोगों को जो झारखंड यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें पंजीकरण करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। मजदूरों का कहना है कि वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, तो वहीं कुछ मजदूरों का कहना है कि पूरी तरह प्रक्रिया होने के बाद भी सबमिट नहीं हो पा रहा है। हम आपको बताते चले कि साइट पर एक साथ ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। वहीं आई एम नोट रोबोट आने पर उसे टिक करें ताकि आगे की प्रक्रिया पूरा कर सके। जमशेदपुर में रतन टाटा ने व्यवसायियों, पेशेवरों के लिए दिए संदेश। उन्होंने कहा कि व्यापार की दुनिया के प्रिय दोस्त, 2020 बस जीवित रहने का वर्ष है। इस साल आप लाभ और हानि के बारे में चिंता मत करो, सपने और योजनाओं के बारे में भी मत सोचो। इस वर्ष अपने आप को जीवित रखना सबसे महत्वपूर्ण है। पलामू जिला में डीलर द्वारा राशन नहीं दिए जाने की खबर है। पलामू जिला के छतरपुर प्रखंड के गुरदी गांव के लाभुकों ने पलामू उपायुक्त से शिकायत की है। लाभुकों ने शिकायत किया है कि 4 माह का राशन डीलर द्वारा नहीं दिया गया है। डीलर द्वारा राशन मांगे जाने पर डीलर ने कहा कि राशन का उठाव नहीं हुआ है। कोडरमा के लिए अच्छी खबर है। कोडरमा का एकमात्र पॉजिटिव युवक की पहली जाँच रिपोर्ट निगेटिव आई है। नियमानुसार युवक का एक बार फिर सैंपल लिया जाएगा। उसकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद युवक को रिलीज कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ से बस के द्वारा 179 मजदूर लौटे घर। खबरों के अनुसार गृह मंत्रालय के आदेश के आलोक में बसों से मजदूरों को छत्तीसगढ़ से लाने का काम शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 बसों में 179 मजदूरों को भेजी है। सभी मजदूर को रांची अस्पताल में जांच होगी, उसके बाद उन्हें अपने स्थान तक छोड़ा जाएगा। ऐसे में छत्तीसगढ़ में फंसे झारखंड के मजदूरों के लिए घर वापसी को लेकर अच्छी खबर है। 17 मई के बाद हवाई सेवाएं हो सकती है शुरू। खबरों के अनुसार हवाई अड्डे पर घरेलू यात्री उड़ान लॉकडाउन समाप्त होने के बाद टर्मिनल 3 से संचालित होगी। इसकी जानकारी ऑपरेटर DIAL के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि हवाई यात्रियों द्वारा भीड़ भाड़ से बचने के लिए एंट्री गेट्स, सेल्फ चेक इन और चेक इन वे को एयरलाइंस कंपनी को आवंटित किया जाएगा। रांची में नशीली दवा बेचने के शिकायत पर कई दवा दुकानों में छापेमारी की गई। खबर है कि लॉकडाउन में शराब नहीं मिलने पर लोग नशीली दवा का सेवन कर रहे हैं। नशीली दवा बेचने के शिकायत मिलने पर रांची के विभिन्न थाना क्षेत्र के अंतर्गत दवाई दुकानों पर छापेमारी की गई। आज से महिला जनधन खाताधारकों को मिलेंगे 500-500 रुपये की दूसरी किस्त। खबरों के अनुसार गरीब की मदद के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को महिला जनधन खाताधारकों के खाते में अप्रैल से 3 माह तक हर माह 500 रुपये मदद देने की घोषणा की थी। पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना के महिला खाताधारकों को 500 रुपये मई माह की किस्त बैंकों में भेजी जा रही है।
जेपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा के कट ऑफ मार्क्स में किए संशोधन। पहले ईबीसी1 का अंक 594 निर्धारित किया गया था, जो घटाकर 593 किया गया। खबर है कि अधिक अंक लाकर भी अभ्यर्थियों का नहीं प्राथमिकता वाली सेवा में मिल सकी थी जगह, जिसे जेपीएससी ने संशोधित कर दिया है। रेलवे ने स्पेशल ट्रेन में रखी नई शर्त। खबरों के अनुसार प्रवासी मजदूर छात्रों श्रद्धालुओं को उनके राज्य वापस भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। भारतीय रेलवे ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि गाड़ी के संचालक के लिए कम से कम 90% स्थान होना जरूरी है। वहीं मंत्रालय ने यह अभी कहा है कि राज्य द्वारा दी गई यात्रियों की संख्या के अनुसार ट्रेन टिकट की छपाई करेगी, जो राज्य सरकार से पैसा इकट्ठा कर रेलवे को देगी। थैंक यू। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें।